मेरे भाई राहुल गांधी जी आज देश में एक नेता होंगे जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। ये यात्रा आपकी जरूरतों को समझने के लिए थी, ये यात्रा आपके बीच आनी थी। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा हमारे देश में जो आपकी समस्याओं को समझने के लिए, आपसे मिलने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला हो, 4 महीनों तक चला और उसके बाद एक और यात्रा निकाली मणिपुर से मुंबई तक। कुल 8000 किलोमीटर आपके बीच आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके दुखों को समझने के लिए, आपकी कठिनाइयों को समझने के लिए। देखिए हमारी जो राजनीतिक परंपरा है, हमारी जो राजनीतिक परंपरा है कांग्रेस पार्टी की, उसकी नींव महात्मा गांधी जी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि सत्य के पथ पर चलना है और उसी पथ पे चलते चलते कांग्रेस के सब नेताओं ने, जितने भी महान नेता रहे हैं, ये सीखा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, कि हमारा काम है, हमारा धर्म है आपकी सेवा करना, हमारा दायित्व है कि हम आपके बीच आए और ये समझें कि आपका जीवन क्या है। लेकिन भाजपा की एक विपरीत विचारधारा है, उनकी विचारधारा आपकी संस्कृति को समझती नहीं है, आदर नहीं करती। जहां जहां मौका मिलता है वो आपकी संस्कृति को बदलने की कोशिश करते हैं। वो आपकी संस्कृति, जिस तरह से आप जंगल का आदर करते हैं, पेड़ों का आदर करते हैं, जानवरों का देखभाल करते हैं, जिस तरह नदियों को आप आदर करते हैं, नदियों का पानी आप पूछते हैं, ये सब चीज़ें भाजपा को ना समझ आती हैं और ना भाजपा के नेता इसका आदर करते हैं। जहाँ जहाँ आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है, बड़े से बड़ा नेता, प्रधानमंत्री मोदी जी जितने बड़े नेता और उनके सारे मंत्री चुप रहे हैं। आपने मणिपुर में देखा होगा एक महिला के साथ बहुत अत्याचार हुआ, उनको निर्वस्त्र करके सबके सामने लाया गया, वहाँ बहुत मौतें हुई, घर जलाए गए, लोग लड़े एक दूसरे से, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे। अत्याचार हुआ उन्होंने रोकने के लिए एक उंगली नहीं उठाई, कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के ऊपर भाजपा के ही कार्यकर्ता ने पेशाब किया, उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई, वीडियो बना, पूरे देश भर में वायरल हुआ, भाजपा के नेताओं ने कुछ बोला भी नहीं। बाद में चुनाव आने लगा तो उस समय भाजपा के नेता उसके घर गए और उससे माफी मांगी, लेकिन जब तक चुनाव आया तब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये है इनकी सच्चाई। आपकी संस्कृति पर लगातार हमला करते हैं, आपकी आवाज को दबाते हैं। जहां जहां आप उठते हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, जहां जहां आपकी आवाज बुलंद होती है वहां आपको दबाने की कोशिश होती है। आपकी जमीनें बड़े बड़े उद्योगपतियों, खरबपतियों को देने का काम होता है। जब आप आवाज उठाते हैं तब आपके पक्ष में आपके साथ खड़े होने के बजाय आपको दबाया जाता है। हेमंत सोरेन जी इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री हैं इस देश में, आज चुनाव चल रहा है झारखंड में और उनको जेल में डाल दिया गया है। उन पर हमला बार बार भाजपा कर रही है, तो आपके कौम पे, आपके समुदाय पे, आपके समाज पे लगातार भाजपा और आरएसएस का हमला है। फिर यहां मंचों पर आकर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं,
राष्ट्रपति जी आज हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है, उन्होंने अपने जीवन में कितना काम किया है, उस काम को पहचाना गया है और उनको सम्मान दिया गया है। जो संसद होता है तो हमेशा राष्ट्रपति जी का दायित्व बनता है कि वो उद्घाटन करें, वो संचालन करें, क्योंकि वो पद जो है वो हमारे पूरे भारत में सबसे बड़ा पद है। यहां मोदी जी एक नया संसद भवन बनाते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्चते हैं, खुद उद्घाटन करते हैं उसका, हमारी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते उद्घाटन के लिए, नहीं बोलते कि आप उद्घाटन करिए, पूरी तरह से आदर नहीं करते। जो आदर जो सम्मान उनको मिलना चाहिए हमारी राष्ट्रपति होते हुए वो नहीं मिलता। मंदिर का उद्घाटन होता है प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं, राष्ट्रपति जी से नहीं करवाते। आपको सोचना चाहिए कि एक तरफ जो बोलते हैं वो है और दूसरी तरफ जो करते हैं आई है। एक तरफ वो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं आपको, नहीं करवाते। आपको सोचना चाहिए कि एक तरफ जो बोलते हैं वो है और दूसरी तरफ जो करते हैं, इन दोनों चीजों में एक बड़ी खाई है। एक तरफ वो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं आपको, कहते हैं कि आदिवासी समाज का सम्मान किया, लेकिन दूसरी तरफ जब असली सम्मान देने का वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं। बार बार ऐसा होता है, क्यों होता है? मोदी जी चाहे आदिवासियों के बारे में बात करें, चाहे देश के गरीबों के बात कर के बारे में बात करें, कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं। सम्मान एक बहुत गहरी भावना होती है, जो असली सम्मान करता है वो उसका राजनीतिक फायदे के लिए सम्मान नहीं करता। आपके आगे जब मोदी जी आते हैं तो सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा साधने के लिए आपके सामने सुंदर सुंदर बातें करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी लगातार आप पे हमला कर रही है, उनकी पार्टी लगातार आपका अपमान करती है और वो कुछ नहीं कहते। महाराष्ट्र में 2 लाख आदिवासियों को पट्टे नहीं दिए गए, पूरे देश भर में 22 लाख आदिवासियों को पट्टे नहीं दिए गए। ये क्या आदिवासियों का सम्मान है? मोदी जी यहां आए थे कल, पता नहीं आपने उनका भाषण सुना कि नहीं। उन्होंने कहा कि मैं शबरी का पुजारी हूं, ऐसा कहा। चलिए आप खुद ही हंस रहे हैं तो मैं क्या कहूं। कहां भगवान राम जिन्होंने शबरी को सम्मान दिया, कहां नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने सैकड़ों शबरियों का अपमान देखते हुए अपना मुंह बंद रखा, कहां मोदी जी की हाथरस की एक बहन पे अत्याचार हुआ, उसको रात को जलाया गया, उनके माँ उसके माँ बाप को बुलाया भी नहीं गया उसके अंतिम संस्कारों के लिए, और मोदी जी चुप रहे। उनकी सरकार ने जिसने अत्याचार किया उसकी मदद की, कहाँ भगवान राम और शबरी और कहाँ नरेंद्र मोदी जी और हाथरस की हमारी बहन।
कहां भगवान राम और शबरी जी और मोदी जी और उन्नाव की हमारी बहन जिस पर बार बार अत्याचार हुआ, जिसके पिताजी के खेत जलाए गए, जिसके भाइयों को पीटा गया, जिसकी भाभी को धमकाया गया और अंत में जिसको खुद जलाया गया। 1 किलोमीटर चली मोदी जी की, जलते हुए चली जब तक गिर के मर गई। मोदी जी की सरकार ने एक उंगली नहीं उठाई उनको मदद करने के लिए, मोदी जी ने पलक नहीं झपकाई। कहां भगवान राम और शबरी और मोदी जी की खोखली बातें। हमारी ओलंपिक की खिलाड़ी मेडल जीत के आती हैं, मोदी जी उनको घर बुलाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, उनके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। सारे अखबार लिखते हैं कि मोदी जी थे तो मुमकिन था हमारी खिलाड़ियां मेडल लेके आई। वही खिलाड़ी जब चीख चीख के न्याय मांगती है, जब सड़क पर बैठते हुए रोते हुए कहती है मोदी जी मेरी मदद करो, मेरा अत्याचार हुआ है, तो मोदी जी अपने घर से नहीं निकलते, मोदी जी एक लफ्ज नहीं कहते, चुप रहते हैं। कहां भगवान राम और शबरी और कहां मोदी जी और ये सारी महिलाएं जिनका अत्याचार इनकी आंखों के सामने हुआ और इनकी सरकार ने अत्याचारियों की मदद की, उनकी रक्षा की। कहां मोदी जी जो उन अत्याचारियों के बेटों को टिकट दिए इस चुनाव में, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं और वो महिलाएं आज तक रो रही हैं। मोदी जी की बातें खोखली हैं, मोदी जी का सम्मान खोखला है, सिर्फ बोलने की बातें हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए बातें हैं, कोई वजन नहीं है उनकी बातों में। कहते हैं मैं अकेला लड़ रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप और अकेले कैसे? सारी सत्ता आपके पास है, सारे साधन आपके पास हैं। आप ही के लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं आप, दुनिया के सारे प्रधानमंत्री, दुनिया के सारे राष्ट्रपति आपके साथ हैं और आप अकेले लड़ रहे हैं। मंच पे आते हैं चुनाव के समय, रोने लगते हैं बच्चे की तरह, कहते हैं कि मुझे गाली दी, कहते हैं कि मुझे गाली दी। अरे हिम्मत करिए मोदी जी, सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत करिए, इंदिरा जी से सीखिए। उस दुर्गा रूपी महिला से सीखिए जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कितनी हिम्मत थी उनसे सीखिए, देखिए क्या होती है हिम्मत, क्या होती है दृढ़ता, क्या होती है वीरता। लेकिन आप उनसे नहीं सीख सकते क्योंकि आप उन जैसे शहीद महान महिला को आप देशद्रोही कहते हैं। तो क्या सीखेंगे आप उनसे? जनता के सामने आते हैं, प्रधानमंत्री पद है, पद की गरिमा है, पद का एक स्तर है। कितने महान व्यक्तियों ने उस पद को संभाला, जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति, इंदिरा गांधी जैसी महान महिला, मनमोहन सिंह जैसे सभ्य व्यक्ति, वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति जो लोकतंत्र को समझते थे, उसका आदर करते थे। और आज आप इस पद को संभालते हुए, इस पद की गरिमा को ना देखते हुए इस पद का स्तर आपने गिरा दिया है। चुनाव के समय आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप जनता को बताएं कि 10 सालों में आपने क्या किया जनता के लिए। ये जनता जो रो रही है, ये मेरे आदिवासी भाई बहन जो महंगाई की वजह से रोज रो रहे हैं, ये मेरी बहनें जो यहां बैठी हैं, जो दुकान जाती है कुछ खरीदने के लिए खाली हाथ वापस आती हैं, आधी चीजें छोड़ के आती हैं, सोचती है कि कल ले लूंगी, कभी और ले लूंगी, अभी जितना ले सकती हूं उतना ही लूं। आप ताली बजा रही हैं, आपका कितना संघर्ष का जीवन है। मोदी जी समझ पाते हैं इसको,
वो जानते हैं कि आप मजदूरी भी करो तो मजदूरी करने के बाद घर आती हो, घर पूरा संभालती हो, खाना बनाने का काम, सफाई का काम, बच्चों की परवरिश का काम, और ये सारी चीजें दिल में ये घबराहट लेके करती हो कि आगे क्या होगा, अगर बच्चा बीमार पड़ जाएगा इलाज कैसे कराऊंगी, घर में मरम्मत करनी है तो पैसे नहीं है, चाहे जितनी भी मेहनत कर रही हूं, चाहे मेरा पति, मेरे बच्चे जितनी भी मेहनत कर रहे हो, पूरी नहीं हो रही है मेहनत, कमाई काफी नहीं है, इलाज के लिए काफी नहीं है, बच्चों के शिक्षा के लिए काफी नहीं है, कुछ सामान खरीदना है, कोई त्योहार है उसके लिए काफी नहीं है, बच्चों की वर्दी खरीदनी है, बच्चों की फीस भरनी है, काफी नहीं है, शिक्षा करानी पड़ती है, आप बच्चों की जब शिक्षा करानी पड़ती है आपको कर्ज लेना पड़ता है, बेटी की शादी होती है कर्ज लेना पड़ता है, नुकसान हो गया खेती में तो भुगतान नहीं मिलता, कर्ज लेके काम चलाना पड़ता है और आपका कर्ज वापस नहीं करता कोई, क्या समझ सकते हैं इस बात को मोदी जी जो आकर आपके सामने अपनी मुसीबतें गिनाते हैं, जो आकर आपके सामने मोदी जी आज आपसे कट चुके हैं, यहां आते हैं बड़े बड़े मंचों पर, आपने देखा होगा उनके पास भी कोई नहीं आता, उनके सलाहकार भी उनसे डरते हैं, उनके बड़े बड़े नेता भी उनसे डरते हैं, उनको सच कौन बताएगा, उनको ये सच्चाई कौन बताएगा कि इस देश का जो गरीब है आज पिस रहा है, इस देश का किसान कमा नहीं पा रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ चुका है कि खेती करनी मुश्किल हो चुकी है, कौन बताएगा इनको, आपके बीच तो आते नहीं है, इंदिरा जी की फोटो निकालिए, आपके घरों में आई है, मैं सोनभद्र में जब भाजपा की सरकार के देखते देखते आदिवासियों का नरसंहार हुआ तो मैं गई सोनभद्र में, यूपी में जगह है, मैं उस गांव में गई उन परिवारों से मिलने के लिए, और मुझे पता है क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि मेरे से पहले, कई दशकों पहले इंदिरा जी वहां गई थी, एक महिला थी वहां पे बूढ़ी सी, उसने मुझे खीर खिलाई और उसने मुझे कहा बेटी तुम्हारी दादी मेरे घर आई थी और मैंने तुम्हारी दादी को भी ऐसी खीर खिलाई, ये है हमारी परंपरा, इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा कि बड़ी सी बड़ी प्रधानमंत्री आपके घर झुक के आई, आपका आदर करते हुए आई, आपके घरों में आपकी समस्याओं को सुनने के लिए आई, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सालों से प्रधानमंत्री रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं किसी को भी एक फोटो निकाल लो किसी आदिवासी के घर के अंदर गए हैं, एक बार आपके पास नहीं आए, कहते हैं कि बड़ी आदर है आपके लिए, कहते हैं कि वो आपके बेटे हैं, कि शबरी जी के पुजारी हैं, क्या मतलब है इन बातों का जब इन बातों में वजन ही नहीं है, प्रधानमंत्री हैं इनकी बात में वजन होना चाहिए, अगर मंच पे खड़े होकर इन्होंने आपको कहा था कि सारा काला धन वापस लाएंगे, आपके खातों में 15 लाख रुपए डालेंगे तो आना चाहिए था, अगर आपको कहा था कि 2 करोड़ रोजगार बना के देंगे तो वो बनाने चाहिए थे, अगर आपको कहा था कि आपकी अधिकारों की रक्षा करेंगे तो आज उनका एक एक नेता संविधान को बदलने की बात क्यों कर रहा है, किसने हिम्मत दी, किसने इजाजत दी, मोदी जी ने दी,
मोदी जी उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठ के रोड शो करते हैं, भाषण देते हैं मंचों पे, और फिर कहते हैं कि संविधान को बदलेंगे नहीं। किसने इजाजत दी उनके हर प्रत्याशी को इस बात को कहने के लिए? हर बार उन्होंने यही करके दिखाया है। उन्होंने इस देश में एक ऐसी राजनीति स्थापित की है जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए चलती है। ये पहली बार इस देश में हुआ है। इस देश की राजनीति सेवा पर आधारित रही है। इस देश की राजनीति का एक एक महापुरुष इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार हुआ है। लेकिन आज आपका कोई आदर नहीं है। आप एक सरकार चुनते हैं, वोट देकर सरकार बनाते हैं। महाराष्ट्र में आपने अपनी सरकार बनाई, क्या किया मोदी जी ने? आदर किया कि जनता ने बोला है हमें भाजपा की सरकार नहीं चाहिए, हमें अपनी सरकार चाहिए जो हमारे लिए काम करे। क्या आदर किया? आदर नहीं किया। पैसे खिला खिला कर, केस डाल डाल कर, दबाव डाल डाल कर विधायकों को खरीदा और अपनी सरकार घूस देकर खुलेआम सबकी आंखों के सामने अपनी सरकार बना दी, लोकतंत्र के विपरीत। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? और ये देश की मीडिया क्या कहती है? वाह वाह, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। वाह वाह, ये तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। हाँ, मुझे खुशी है कि सिर्फ मोदी जी करें ऐसी चीजें, क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर आपने लोकतंत्र के तहत अपना वोट डालकर एक सरकार को चुना है, तो घूस देके 100-100 करोड़ रुपए देके विधायकों को हम उस सरकार को कभी नहीं गिराएंगे। करने दीजिए मोदी जी को, लेकिन सबक सिखाइए। बहुत हो गया है। इस देश की सारी संपत्ति इन्होंने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दी। देश का कोयला, देश की सड़कों का ठेका, देश की बिजली, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, ये किसके थे? मोदी जी के थे। जेब से निकाले थे उन्होंने, इस देश की जनता ने अपनी मेहनत से बनाए, खून पसीना बहाकर बनाया। जितने नेता रहे इनसे पहले, ये जो 70 साल का रट रखते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये सब तो बना 70 सालों में, जो तुम बेच रहे हो, नहीं तो बेचते कैसे? मैं गिना सकती हूं आपको, IIT, IIM, ISRO, DRDO, भाखड़ा नंगल डैम, आप नाम लीजिए कांग्रेस ने बनाया, आप नाम लीजिए आपकी मेहनत से बना। और सारा एक के बाद एक कि अपने खरबपति मित्रों को दे रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि मैं जानती हूं कि जब आपको बेटी की शादी करानी है या बच्चों की शिक्षा करनी है, आप कर्ज लेते हो और आपका कर्ज माफ नहीं होता। आपको मालूम है कि इनके राज में बड़े बड़े खरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ हुए हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उनके जो पहले से ही खरबपति हैं। बोलूं, कर्ज माफ हो रहे हैं बड़े बड़े खरबपतियों के। मैं जब यूपी में काम कर रही थी, वहां किसानों का गन्ना का भुगतान 15,000 करोड़ रुपए थे। मैं हर मंच पे चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मोदी जी, योगी जी, इनका भुगतान करो, गन्ना किसान का है, का पैसा है, उसको लौटाओ। मालूम है मोदी जी ने क्या किया? क्या किया? अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे 16,000 करोड़ के, लेकिन गन्ने के किसान को 15,000 करोड़ देने के लिए उन्होंने कहा पैसे नहीं है इस देश में। हम कर्ज माफी की बात करते हैं, कांग्रेस ने बार बार किसानों का कर्ज माफ किया।
हम करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, पैसे नहीं हैं। क्यों भाई, आपके जहाज खरीदने के लिए पैसे हैं, आपके बड़े बड़े दोस्तों को देने के लिए पैसे हैं, वो बड़ी बड़ी शादियां करें। लेकिन किसान अपनी बेटी की शादी जब करता है तो कर्ज लेता है और फिर कर्ज चुका नहीं पाता, आत्महत्या करता है। मैं ऐसे किसानों के घर में गई हूं जो खाद की कतार में खड़े खड़े गिरकर मर गए, क्योंकि घर जाने की हिम्मत नहीं थी, कहीं कतार छोड़ दूं तो मुझे खाद नहीं मिलेगी। मैं ऐसे किसानों के परिवारों से मिली हूं जिन्होंने 50,000 रुपए के लिए, 1,00,000 रुपए के कर्ज के लिए आत्महत्या कर डाली। बच्चियां रो रही हैं, आगे सब कुछ अंधकार में है, और इस सरकार ने कुछ नहीं किया। ये मोदी जी गरीबों के मसीहा, कुछ नहीं किया इन्होंने, ये तो खरबपतियों के मसीहा हैं। इस देश में कभी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए, कभी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं, जो एक भी बार, एक भी दिन आपके घरों में नहीं आए, आपके गांव में नहीं आए, आपकी खेती में नहीं आए। इनको बहुत हिम्मत दे दी है आपने, बहुत समर्थन दे दिया है, अब सच्चाई भी देख लो इनकी। ये जो टीवी पे आपको दिखता है ये सच्चाई नहीं है, ये सारे टीवी के चैनल बड़े बड़े खरबपतियों की है, साठ गांठ है इनकी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए मोदी जी, कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसी स्कीम तो कोई नहीं लाया था कि जो भी चंदा देगा उसका नाम गुप्त होगा, ये स्कीम लाए मोदी जी। फिर न्यायपालिका में कहा गया कि ये सूची जारी करो, सब जनता को जानना चाहिए किसने किसको चंदा दिया। अचानक मोदी जी बदल गए, खुद स्कीम बनाई, अब कहने लगे कि मैंने इसको पारदर्शी कर दिया सूची को, जबकि सूची पारदर्शी तब हुई जब न्यायपालिका ने कहा कि करो। क्या पता चला किस किसने चंदा दिया? आपको कोविड की वैक्सीन लगी थी, किस किस को लगी, हाथ उठाओ। भी लगी, आपको नहीं लगी? अच्छा, हमको तो लगी दो। कोविड की वैक्सीन पूरे देश के लिए एक कंपनी ने बनाई, उस कंपनी से भी चंदा लिया मोदी जी ने 52 करोड़। गुजरात में पुल गिरा, लोग बह गए, सैकड़ों लोग पानी में बह गए, मोदी जी ने उस पुल बनाने वाले से चंदा लिया। मोदी जी ने उन लोगों से चंदा लिया जिन पे छापा मारा था, चंदा लिया छापा बंद, उन लोगों से चंदा लिया जिनके ऊपर केस डाले थे, चंदा लिया केस ठंडे बस्ते में, चंदा है कि वसूली, चंदा है कि हफ्ता। ये प्रधानमंत्री हैं क्या जिन्होंने पद का स्तर इतना गिरा दिया? तो अब समय आ गया है, देश की सच्चाई आपके सामने है, भाजपा के प्रधानमंत्री उनकी सरकार की सच्चाई आपके सामने है। 10 साल हो गए, आपके जीवन में तरक्की नहीं आई, कोई सुनहरा सपना साकार नहीं हुआ, किसी को रोजगार नहीं मिला, गैस का सिलेंडर 400 का होता था, 200 का होता था, ये लोग सड़क पे आ जाते थे, आज 1200 का है और सब छुप रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं अपना, मंच पे आते हैं तो फिजूल की बातें करते हैं इधर उधर की, मंच पे आते हैं तो आपसे कहते हैं कि सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी आपके भैंस चुरा देगी। बताइए ये कोई बात हुई? ये स्तर है प्रधानमंत्री जी का? तो अब देखिए सच्चाई आपके सामने आ गई है, कांग्रेस पार्टी आपको गारंटी दे रही है। क्या है ये गारंटी और क्यों मानना चाहिए आपको, ये मैं 2 मिनट के लिए समझाती हूँ, फिर आपको और कष्ट नहीं दूंगी। देखिए, बोलो मैं तब तक इस चुनाव में मैं तब तक बोलूंगी जब तक मेरी आवाज बंद नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। इस चुनाव में मैं तब तक बोलूंगी जब तक आपने इनको खदेड़ नहीं दिया अपने सरकार से।
जब तक मेरा गला बैठ जाएगा तब तक बक बक करती रहूंगी। देखिए देखिए बहने, आपका जीवन बहुत मुश्किलों से भरा है। कांग्रेस पार्टी जो गारंटी दे रही है उसका प्रमाण यह है कि जहां जहां हमारी प्रदेश की सरकारें हैं वहां हम करके दिखा रहे हैं। आप कर्नाटका में पूछो, तेलंगाना में पूछो, आप छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी वहां पूछिए, राजस्थान में पूछिए जहां हमारी सरकार थी कांग्रेस ने क्या किया। राजस्थान में बताएंगे कि 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया था जिससे आपके हार्ट ऑपरेशन तक मुफ्त में होते थे, 25 लाख तक सारे इलाज गरीबों के लिए मुफ्त में होते थे। ये हमने किया, करके दिखाया, और हम पूरे देश में ये लागू करना चाहते हैं कि अगर कोई भी बीमार पड़े उसका इलाज 25 लाख तक मुफ्त होगा। ये हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी है कि हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला को उसके खाते में हम सालाना 1 लाख रुपए डालेंगे। हमारी गारंटी है कि जो नौजवान स्नातक पास है उसको हम पहली नौकरी पक्की दिलवाएंगे जिसमें उसको सालाना कम से कम 1 लाख रुपए मिलेंगे। हमारी गारंटी है कि जो 30 लाख पद मोदी जी की सरकार ने खाली छोड़े उनको हम भरेंगे, कि नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क खत्म होगा। हमारी गारंटी है कि मेरे किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून के तहत मिलेगा, कानून बनाएंगे कि यह आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा। आपको आज आपके कर्ज माफ नहीं होते इसके लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे ताकि जब जब आप कर्ज के संकट में हैं आप उस आयोग से मदद ले पाएंगे। खेती के हर सामान से हम GST को हटाएंगे, खत्म करेंगे। देश भर में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी हम 400 रुपए की करवाएंगे, ये कानून बनाएंगे। अगर इससे कम आपको किसी ने मजदूरी देने की कोशिश की तो वो कानून का उल्लंघन कर रहा होगा, उस पर कार्रवाई होगी। शहरों में जैसे मनरेगा गांव में है उसी तरह से हम शहरों में 100 दिन का रोजगार आपको गारंटी देंगे मनरेगा की तरह। SC ST सब प्लान को हम लागू करेंगे। आपके लिए आदिवासियों के लिए एक विशेष बजट लाएंगे। भूमिहीनों को हम जमीन दिलवाएंगे। वन अधिकार कानून वाले पट्टों को का 1 साल में हम फैसला कराएंगे जहां जहां फैसला नहीं हुआ है। जहां आदिवासी संख्या ज्यादा है उन सारे क्षेत्रों को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे ताकि आपको सारी सुविधाएं मिल पाएं। भूमि अधिग्रहण कानून को जिसमें संशोधन किया है भाजपा की सरकारों ने, वो संशोधन हम हटवाएंगे और फिर से सही कानून लागू करेंगे। देखिए आप तय करिए आपको इस देश में कैसे नेता चाहिए। आपको ऐसे नेता चाहिए जो 4000 किलोमीटर चलने का कष्ट करे कि आपके पास आकर आपकी समस्याओं को समझे, या आपको ऐसे नेता चाहिए जिनके कुर्ते पे एक धूल का दाग नहीं दिखता, जो आपके बीच आने से कतराते हैं, डरते हैं। कैसे नेता चाहिए जो आपके आंसू पोछे या यहाँ स्टेज पे आके नकली आंसू मगरमच्छी आंसू दिखाए आपको। कैसे नेता चाहिए जो आपकी मुसीबतों को समझे या जो आपके सामने आकर अपनी मुसीबतें गिनाए। आपको कैसा नेता चाहिए जो हिम्मत वाला हो, खुल के बोले, निडर हो, चाहे कोई दबाने की कोशिश करे, चाहे कोई संसद से निकाले, चाहे कोई केस डाले, फिर भी सच्चाई बोले आपको, या ऐसा नेता जो झूठ पे झूठ पे झूठ बोले आपसे। कैसा नेता चाहिए
कैसी राजनीति चाहिए? असूलों की राजनीति, एक समर्पण और सेवा की राजनीति, की सत्ता की राजनीति जो सिर्फ सत्ता चाहती है, सिर्फ शोहरत चाहती है, सिर्फ शान और सम्मान अपना चाहती है, लेकिन जनता का सम्मान नहीं करती। आप तय करिए, चुनाव दो दिन में है, कब है? 11 को, 13 को, 13 को चुनाव है, आज 11 तारीख है, 2 दिन में चुनाव है, 2 दिन में तय करने जा रहे हो कि इस देश का भविष्य क्या होगा, इस देश का संविधान बचेगा, इस देश का लोकतंत्र बचेगा, आपके अधिकार बचेंगे, आपकी नई पीढ़ी के अधिकार मजबूत होंगे, का भविष्य मजबूत होगा कि नहीं, तय करने जा रहे हो। अपना विवेक का इस्तेमाल, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, सोचो समझो, ध्यान से मेरी बातों को सुनो, क्योंकि अगर गलत निर्णय ले लिया तो ये जे देश जिस दिशा में जा रहा है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद ये मौका है कि आप लोकतंत्र को वापस स्थापित करो, आप अपने भविष्य को सुनहरा बनाओ, एक ऐसी सरकार लाओ जो आपकी संपत्ति वापस आपके हाथों में दे, किसी खरबपति के हाथों में नहीं। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, अभी तक मेरी आवाज गई नहीं है, लेकिन आगे 2 मीटिंग और है मेरी, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अब मैं जाऊंगी, मेरी बातों को याद रखो, खास तौर से जब पोलिंग पे जाओगे उन महान नेताओं को याद रखो जो शहीद हुए इस देश के लिए, जिनका लहू इस देश की धरती